अरे आप लोग आपस में वहां पर क्या बात कर रहे हो? हवलदार लो उनको जल्दी गाड़ी में डालो। रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए सर, आप इन लड़कियों को हमारे हवाले कर दीजिए। आप जानते हैं कि हमारा एनजीओ ऐसे केसेस हैंडल करता है। हम इन सेक्स वर्कर्स को या तो इनके घर भिजवा देंगे या इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल देंगे। आप इनको बस हमारे हवाले कर दीजिए। देखिए मैडम, ये पुलिस का मामला है। पहले लड़कियां सारी पुलिस स्टेशन जाएगी, उसके बाद ही कहीं और जाएगी। आप बीच में मत पड़िए। लगता है उर्मी मैडम आ गई। ईशानी, उर्मी दीदी नहीं आई। देखो ना, ये इंस्पेक्टर साहब इन लड़कियों को छोड़ नहीं रहे। इंस्पेक्टर शंकर तलीकोटे, हैव अ लुक। हवलदार छोड़ दो उनको, चलो। थैंक्स ईशानी। अरे इट्स ओके मैम, वैसे आप लोग के जाने का कोई साधन है? हाँ, हमारे पास गाड़ी है, हम चले जाएंगे। चलिए फिर मैं निकलती हूँ। नमस्ते। ओके। कहाँ थी तुम इतने दिनों से? बहुत ढूंढा बेटी, बहुत ढूंढा, पर कहीं पता नहीं चला। हमारा एक परिचित हमारी लड़की को नौकरी के लिए शहर लेकर गया था। हमें क्या पता था कि वो लड़की को ही बेच देगा। जब उससे पूछा तो बोला कहीं खो गई। बताइए मैडम जी, फिर आगे हम क्या करते? अभी आप सबसे पहले ये कीजिए कि उस आदमी की पुलिस में कंप्लेंट करवा दीजिए, ताकि उसने आपकी बेटी के साथ जो किया वो किसी और के साथ ना करे। जी मैडम। भगवान आपका भला करे बेटा, हमारी बेटी हमें सही सलामत मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बेटी को बचाने के लिए मैडम जी। अब आप लोग जाइए, अपनी बेटी को वापस घर ले जाइए। चलो घर चलो। वो मैडम, मुझे कुछ याद नहीं, कुछ पता नहीं। बस इतना पता कि मेरी जो माँ थी ना, झांसी से थी। लक्ष्मीबाई नहीं थी, घूमराव जानती। झांसी से थी। ये लो मेरी माँ की फोटो। जब मैं 8 साल की थी ना, तभी मुझे छोड़ के चली गया। मेरी स्कूटी नहीं स्टार्ट हो रही है, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। कहाँ जाना है? कुछ चोरी है क्या? वो एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट स्टोरी कवर करनी है, गोरेगांव के साइड। चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। थैंक यू।